नमः शिवाय। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। एक समय था जब भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे थे और इसे जीवित जीवों के लिए उपयुक्त बना रहे थे, लेकिन अपनी रचनाओं को जीवित रखने के लिए उन्हें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता थी। उसे पौधों को उगाने के लिए ऊर्जा, ग्रहों की रोशन और क्रांति, पक्षियों को उड़ने, समुद्रों को लहराते, नदियों के बहने और कई अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। भगवान ब्रह्मा जानते थे कि यह काम केवल शिव ही कर सकते हैं। आपको बता दूं कि शिव आदि पुरुष यानी आधा पुरुष और आदि शक्ति यानी आधा स्त्री का रूप थे। भगवान ब्रह्मा ने शिव की तपस्या की और जब शिव उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए तो उन्होंने शिव से वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने शिव को अपनी समस्या के बारे में बताया और शिव से अपनी स्त्री के अंग से वंचित रहने को कहा, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के निर्माण के लिए शक्ति के रूप में, ऊर्जा के सर्वोच्च स्रोत के रूप में किया जाना था। भगवान शिव ने ऐसा ही किया और स्त्री भाग से वंचित हो गए। तिरस्कार पाने के दुख और पीड़ा में भगवान शिव ने ब्रह्मांड के रखरखाव और एक त्रिमूर्ति ब्रह्मांड के तीन अनुचर के रूप में अपना कर्तव्य छोड़ दिया। वह अघोरी बन गए। अब शिव के दर्द को देखने के बाद ब्रह्मा और विष्णु शिव को वापस लाने के लिए लगातार रणनीति बना रहे थे। एक बार ब्रह्मा ने चार वेदों की प्रशंसा करने के लिए एक स्तुति शुरू की। उस समय ब्रह्मा के पांच सिर थे, उनमें से चार सिर वेदों की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन शिव को क्रोधित करने और वेदों के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए ब्रह्मा के पांचवें सिर ने वेदों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। यह योजना सफल रही और इस जघन्य अपराध के लिए भगवान शिव ने क्रोधावश ब्रह्मा के पांचवें सिर को काट दिया। तो ये थी ब्रह्मा के पांचवें सिर को काटने की एक छोटी सी कहानी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।